सिराथु तहसील के लच्छीपुर गांव में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के तीसरे दिन कथा व्यास परम पूज्य धनंजयदास जी महाराज मलुपीठ वृंदावन ने कहा कि जाने अनजाने में मनुष्य से कई पाप होते हैं, उनका ईश्वर के समक्ष प्रायश्चित करना ही एकमात्र मुक्ति पाने का उपाय है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से बदलता है मनुष्य का जीवन। उन्होंने कहा, व्यक्तियों को अपने जीवन में क्रोध लोभ मोह हिंसा आदि का त्याग कर विवेक के साथ श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। भागवत कथा में राम प्रकाश ओझा, राजू ओझा, एडवोकेट बद्री त्रिपाठी, सूर्य प्रकाश, संजय पाठक, रेवती रमण, जगदीश त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।